नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बात अगर मध्य प्रदेश की करें, जहां अभी भाजपा के पास 28 सीटें हैं, तो इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप की तैयारी में है। और आज हम बात करें तो 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार थम चुका है पहले चरण के मतदान का। ऐसे में राजनीतिक दलों की क्या रही तैयारियां और आगे क्या बनेंगे समीकरण, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में पहले चरण में अधिकांश सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। पहले चरण के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीटों की बात करें तो मंडला लोकसभा सीट पर मोदी सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने कांग्रेस के सीनियर विधायक ओमकार सिंह मरकाम चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन गोंपा प्रत्याशी ने यहां मुकाबला रोचक कर दिया है। वहीं बालाघाट में बीजेपी के डॉक्टर भारती पारथी के सामने कांग्रेस के सम्राट सारस्वर हैं। छिंदवाड़ा से इस बार बीजेपी के बंटी साहू कांग्रेस के नकुल नाथ को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वहीं कमलनाथ की साख दांव पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा को छोड़कर बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतंत्र का अगर चुनाव लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, हम उसको महाकुंभ मानते हैं, अश्वमेध यज्ञ की जैसे मानते हैं। और निसंदेह उस अश्वमेध यज्ञ में भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा अश्वविजय का घोड़ा विजयी अश्वमेध जो है पूरे भारत में घूम रहा है और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को विजय प्रचंड विजय श्री मिलने वाली है। मैं कहता हूं 29 की 29 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय प्राप्त होगी और देश भर में 400 से अधिक कमल रूपी सीटें प्राप्त होंगी और कमल रूपी माला को हम भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे। और जिस प्रकार से इस महायज्ञ कुंभ में महायज्ञ में अश्वमेध यज्ञ में आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी आहुति दी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी आए और मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, सभी ने, समस्त नेताओं ने अपनी अपनी आहुति दी है, सभा की है और भगवान रूपी जनता के पास जाकर के उसका आशीर्वाद लिया है। मोदी जी का राम राम, मोदी जी का प्रणाम, मोदी जी का गुलाल जनता को प्रेषित किया है और एक एक कार्यकर्ता लगा है उस भगवान रूपी जनता जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के विकास के कार्यों से, विकास भी और विरासत भी, जो सैकड़ों कार्य विकास के किए हैं उसके द्वारा भाजपा को आशीर्वाद देने जा रही है। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट पर जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है और अब कमलनाथ का किला भेदने की भरपूर कोशिश है। चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में रोड शो करके बीजेपी की ताकत भी दिखाई। हालांकि इस सीट पर बीजेपी की चिंता बढ़ी है क्योंकि 6 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला जिले की निवास सीट से हार का सामना करना पड़ा था। मंडला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस तो 3 पर बीजेपी का कब्जा है। हद दर्जे की अराजकता राजनीति क्या होती है, हमने सबने देखी, विदेश ने देखी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उनके घर पे छापे डाले गए। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ जो इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने उदाहरण पेश किया। कैलाश विजयवर्गीय जी इनके मंत्री हैं, फुल टाइम वहां बैठे रहे, लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, नोटिस दिलवाते रहे, प्रशासन का दुरुपयोग करते रहे और ये पूरे प्रदेश में चला। जो एक अभियान चलाने की इनने बात की कि हम कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं, वो भी उसके आसपास के अगर पूरे सिनेरियो को प्रदेश की जनता ने देखा तो क्या था मैसेज, ये था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे, रेते का काम करने वाले, जितने हमारे क्रेशर का काम करने वाले, परिवहन का काम करने वाले, जो परिवार का साथी कांग्रेस पार्टी में था और अल्टीमेटली सरकार की ताराशाही के खिलाफ या प्रशासन से डर सकता था, उसको सबको ले गया। तो मैं मानता हूं ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पर ये याद रखना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता को और खासकर 6 सीटों पर परिवारजनों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपको विचार करना पड़ेगा कि 5 गारंटियां मोदी ने दी थी, उन 5 गारंटियों में गेहूँ के समर 2700 का दाम था, 3100 हमारे धान का दाम था, 3000 बहनों के थे, 4500 4500 का गैस सिलेंडर था, एक भी पूरा नहीं हुआ। यही लोग थे जो जीत के आए हैं, इन्होंने ही कहा था। तो ये विचार वोट करते वक्त डालना, सोचना पड़ेगा कि मोदी जी ने 2014 में कहा कि आपके बेटे को रोजगार दूंगा, अगर आपके बेटे को मिल गया हो तो फिर मोदी जी का वोट बनता है। वहीं जबलपुर संसदीय सीट की बात करें तो यहां साल 1996 से भाजपा का कब्जा है। जबलपुर सीट पर बीजेपी ने इस बार नया चेहरा उतारा है। 4 बार के सांसद राकेश सिंह के विधानसभा चुनाव जीतकर मंत्री बनने के बाद बीजेपी के गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी पार्टी ने आशीष दुबे को सौंपी है। आशीष दुबे का मुकाबला कांग्रेस के दिनेश यादव से है, जिन्हें पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए मैदान में उतारा है।
बहरहाल अब देखना होगा कि पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों पर मतदाता का मन किसके साथ है। TV24 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो थम चुका है प्रचार, किसकी जीत किसकी हार, आज इसी विषय पर हमारी बात होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज धवले जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी इस चर्चा का हिस्सा है। अंबिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी हम देख रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा पर बीजेपी का विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल फिलहाल में 8 दौरे यहां पर किए। कैलाश विजयवर्गीय ने लगातार मोर्चा संभाला रहा और कल गृहमंत्री भी यहीं पर थे। क्या मानकर चल रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा किसी तरह की चुनौती है या फिर जीत की राह आसान होगी? अमित जी पहले तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मेरा नाम अजय धवले है, मैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हूं। जी अजय धवले जी। जी दूसरा जी दूसरा जो आप जो फर्स्ट फेज की 6 सीटें हैं जिन पे कल आज प्रचार थम गया है और 19 तारीख को मतदान होने जा रहा है, उन पे लगभग ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी वो सारी सीटें जीतने जा रही है। एक इन 6 क्षेत्रों में की एक सीट जो छिंदवाड़ा हमारे पास नहीं थी, उस पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रचार के अंतिम चरण में आप देखेंगे देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी का जो विशाल काय रोड शो हुआ, जो छिंदवाड़ा की जनता सड़कों पर उमड़ी, उत्साह और स्नेह छिंदवाड़ा में था। निश्चित तौर पर ये छिंदवाड़ा ने भी अब दिखा दिया कि फिर इस बार मोदी सरकार होने जा रही है और मुझे लगता है जबलपुर बालाघाट के बाद मंडला के छिंदवाड़ा और सीधी और शहडोल ये सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। चुनाव बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास से शुरू किया था और हमने हमारा विकास का एजेंडा जनता के बीच रखा। भारत की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने उस विकास के एजेंडे को अपना लिया है। दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, आज हम रामनवमी के शुभ अवसर पर डिबेट कर रहे हैं अमित जी, आप देखेंगे एक ऐसा अवसर आज देश को मिला है और जिस सरकार ने दिया है उस सरकार को देश की जनता समर्थन देगी। ठीक है अंबिका जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं कि छिंदवाड़ा किसी तरह की चुनौती भाजपा के लिए नहीं है, लेकिन बाकी लोकसभा सीटों की बात करें कांग्रेस क्या स्थिति मानकर चल रही है अपनी? देखिए विकास जी, भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के बीच में अफसोस के साथ जा रही है। अफसोस इस बात का कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए वो सारे के सारे वादे झूठे साबित हुए और कांग्रेस पार्टी जनता के विश्वास के साथ और एक आत्मविश्वास के साथ उत्साह के साथ जनता के बीच में जा रही है, हमको जनता का समर्थन मिलने वाला है जी। और है जो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं हम भारी बहुमत से वहां पर जीत रहे हैं और इनके सारे के सारे भ्रम सारे के सारे मिथक टूटने वाले हैं। ये अति आत्मविश्वास से जो घिरे हुए हैं इनके भ्रम जनता इनको दूर करने वाली है। इनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इन्होंने जो वादे किए थे वो सारे के सारे वादों पर ये असफल साबित हुए हैं। राजेंद्र आगल जी, कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी पर अधूरे वादों का आरोप लगा रही है, लेकिन अब हम बहुत नजदीक आ चुके हैं क्योंकि पहले चरण का जब मतदान होगा महज 48 घंटे हैं, शोर शराबा बंद हो चुका है। क्या आप देख पा रहे हैं अब 48 घंटों में कितना अहम समय यह है तमाम प्रत्याशियों के लिए और इससे भी ज्यादा अहम पार्टियों के लिए? देखिये इनमें से कोई भी भविष्यवक्ता तो नहीं है कि आने वाला समय क्या बताएगा, बिल्कुल, परंतु सवाल इस बात पे रहे कि आखिर करके चुनाव में ऊट किस करवट बैठता है। जनता इस बार बहुत साइलेंट है, ऐसा लोकसभा चुनाव में देखने को कम मिलता है। विधानसभा की वोटिंग और लोकसभा की वोटिंग में दोनों में बहुत अंतर रहता है। लोकसभा में प्राय ये देखने को मिलता है कि लोकसभा देश की तरफ देश के सीट्स को स्वीकार करती है, वो किसको स्वीकार करना चाहती है किसको स्वीकार करना नहीं चाहती है ये तो मत पेटियों के अंदर मतपत्र जब जमा हो जाएंगे और उसके बाद जब पेटियां खुलेगी तब पता चलेगा कि आखिर करके क्या होने वाला है। सवाल सबसे बड़ा बात यह है कि क्या यही लोकतंत्र की व्यवस्था है जिस तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं जी। जिस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री और पिछले 35-40 सालों से छिंदवाड़ा के सांसद के घर पर पुलिस का छापा एक्साइज का छापा, आखिर क्या मिला है जनता को बताना बहुत जरूरी है ना। कहीं उल्टा समीकरण उसका नहीं बैठ जाए, पता चला कि कमलनाथ जी हार रहे थे तो अब जीतने लगे। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि आखिर करके बड़ा दिल रखना चाहिए। सरकार तो उनके पास
थे और सरकार उनके पास चलती भी रही, पर आखिर करके ऐसा उन्होंने क्यों किया है यह समझ से परे है, क्योंकि ऐसा इतिहास में देखने को कभी मिला नहीं है। जिस तरीके की ये बातें हुई है उससे अच्छा मैसेज नहीं गया है जनता के बीच, अच्छा नहीं गया। मेरी बहुत सारे पब्लिक से बात होती रहती है, कई लोगों से मैंने बातचीत किया, बातचीत करने पे यही पता चला कि ये तो कोई स्वस्थ परंपरा का उदाहरण नहीं है। अजय जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं कि जो कुछ भी पिछले दिनों घटनाक्रमों, हम छिंदवाड़ा पर भी डिस्कशन कर ही रहे हैं, और कांग्रेस ने जैसा कि सवाल उठाया कि जनता इस बार जवाब देगी, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि जनता मौन है, अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है, तो क्या जनता की खामोशी बीजेपी समझ पाई है? देखिए अमित जी, मैं दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दूं। पहला, जो राजेंद्र जी ने छिंदवाड़ा का प्रश्न उठाया, तो उस छिंदवाड़ा के प्रश्न में ये कहां से शुरू हुआ? जिस व्यक्ति ने ये शिकायत की थी वो एक पत्रकार था, क्योंकि मैं खुद छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का निवासी हूं और संगठन की दृष्टि से मैं पूरे चुनाव में छिंदवाड़ा में ही संगठन कार्य कर रहा था। तो जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उस पत्रकार के साथ में कमलनाथ जी के जो तथाकथित पीए हैं आरके बिगलानी जी, उनका वीडियो स्पष्ट रूप से आज पुलिस के पास है, उसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई, और क्योंकि वो पीए कमलनाथ जी के निवास पर रहते हैं तो इसलिए वहां पे छापा पड़ा था। ये बात से भ्रम ना फैलाया जाए कि कमलनाथ जी के ऊपर तो भाजपा ने छापा गिरवाया, वो पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया था, क्योंकि वो एक वीडियो वायरल कराने के लिए कमलनाथ जी के पीए जिस प्रकार का डील कर रहे थे वो आज मीडिया के समक्ष वो वीडियो है। रही दूसरी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी जो मौन मतदाता है उसकी ये स्वीकृति है कि जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को उसने स्वीकार कर लिया है। देश की विकास की गंगा बहाने वाली, देश में जनहित के काम करने वाली, जनाकांक्षाओं का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज देश की जनता खड़ी है। मुझे लगता है जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो हम निश्चित तौर पर जो 400 पार का नारा दिया है वो फलितार्थ होगा और चरितार्थ होगा, इस वजह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उन कामों का वजह से भारतीय जनता पार्टी आज देश के समक्ष खड़ी है। चलिए अंबिका जी, अजय जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी वो उन कामों के बलबूते जनता के बीच जा चुकी है जो इतने सालों में किए हैं, लेकिन कांग्रेस की हम बात करें, छिंदवाड़ा तो गढ़ है लेकिन दूसरी सीटों की बात करें जहां पर पिछली बार आपको सफलता हासिल नहीं हुई थी, क्या मानकर चल रहे हैं कि इस बार जो जनाधार है वो क्यों आपके पक्ष में आना चाहिए? विपक्ष में रहते हुए इस तरह के कौन से काम आपने किए हैं जनता तक, क्या आप अपनी बात पहुंचाने में पूरी तरह से सफल हो पाए हैं? आदरणीय विकास जी, मैं आपको बता दूं कि जो अजय जी कह रहे हैं मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वास्तविकता ये है कि जैसे मान लीजिए मंडला सीट आप ले लेते हैं, मंडला सीट में अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते, तो इनके केंद्रीय मंत्री वो चुनाव हार चुके थे। अब ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते को वहां की जनता स्वीकार कर लेगी? और छिंदवाड़ा तो सीट है, वहां पर कमलनाथ जी की इतनी सेवाएं हैं पब्लिक के बीच में, सीधा जीवंत संपर्क है आम मतदाता से माननीय कमलनाथ जी का। और छिंदवाड़ा सीट तो वो सीट है जो आपातकाल के दौरान, आपातकाल के बाद जब यहाँ शिफ्ट किया था तब छिंदवाड़ा जीते थे हम लोग। छिंदवाड़ा की जनता हमेशा कांग्रेस में विश्वास रखती है, कांग्रेस की नीतियों में विश्वास। और रहा सवाल इनकी नीति का, इनके कार्यक्रमों का, तो मैं आपको बता दूं कि यह जनता से वादा करके आए थे कि हम काला धन वापस लाएंगे। आज काला धन हर रोज बढ़ रहा है, ये प्रश्न है, ये ज्वलंत प्रश्न है, क्यों बढ़ रहा है? इनके हाथ में सारी व्यवस्था है, शासन है इनके हाथ में, काला धन बढ़ रहा है। जनता से ये वादे करके आए थे हम 15 लाख रुपए देंगे, ये जनता इस समय समझ रही है, आम चुनाव के समय समझ रही है, वो 15 लाख रुपए कहाँ है? आप गौ माता और धर्म कोई आड़ में राजनीति करते हो। आज भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है गौमांस का, बीफ का, और इनको इतनी भी शर्म नहीं आती है कि जो बीफ के कारोबारी हैं, बीफ के जो सौदागर हैं, व्यापारी हैं, उनसे चंदा लेते हैं। ये इतना छदम इनका चरित्र है, इनका ये दोगला चरित्र है, ये सब जनता समझ रही है और आने वाले आम चुनाव में इसका जवाब देगी जनता। जवाब दीजिए अजय जी, पूरे वादे नहीं हुए। मुझे लगता अंबिका जी प्रॉपर रिसर्च करके डिबेट में नहीं बैठे। जिस कंपनी की ये बात कर रही है वो गौमांस में डील नहीं करती। दूसरी बात, इनके पास आंकड़े ही नहीं है कि भारत बीफ का चीफ एक्सपोर्टर नहीं,
ये दो बातें स्पष्ट रूप से मुझे लगता है डिबेट में ऐसी बातें हम लोग देखिए आप और हम कांग्रेस आप अपने दल के सम्मानित प्रवक्ता हैं, हम अपने दल के सम्मानित प्रवक्ता है, हम लोग अपने डिबेट्स में या अच्छे चैनल्स पे जगह जा रहे हैं तो हम झूठ नहीं फैला सकते क्योंकि जनता की अपेक्षा हमसे है। तो मुझे लगता है हम वास्तविकता के बात करें, फैक्ट्स पे बात करें। आज फैक्ट्स ये है कि कांग्रेस हताशा निराशा से ग्रसित है। जिस कांग्रेस ने वादा खिलाफी और विश्वासघात का जिसका इतिहास रहा है वो ऐसे दल से प्रश्न पूछ रहा है जिन्होंने अपने संकल्पों को पूरा किया है। बार बार संकल्पों को पूरा करने की वजह से देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मैंडेट देते जा रही है। विधानसभा के चुनाव की अगर आप बात कर ले तो 163 सीटें भाजपा को, 65 सीटें कांग्रेस को है, तो कंपैरेटिवली आपको दिख जाता है कि प्रदेश की जनता ने अपना ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज वो ना उसके पास नेता है, नीति है, ना नेतृत्व है। इस वजह से आज जो कांग्रेस की दयनीय स्थिति वो इसी वजह से हुई है। आप गैर जिम्मेदार तरीके से भाषण और बयान और अपनी डिबेट में मुद्दे रखते हो, देश की जनता आपको सुनती है और वही सुन के वो अपना मत बनाती है और फिर जब जाके ईवीएम का बटन दबाते हैं तो निश्चित तौर पे कमल ही खिलता है। राजेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना डीपली और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप अब भी लगी रहे जो कि चुनाव तक लगते रहेंगे, चुनाव के बाद भी सिलसिला थमने वाला नहीं है। लेकिन बात हम जनता की करें कि इस बार जनता का रुख काफी मौन था। आपने कहा कि जनता का रुझान कैसा था ये कोई भी समझ नहीं पाया। दोनों ही पार्टियों ने जनता को साधने के लिए अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी किए, कांग्रेस का वचन पत्र आया तो बीजेपी ने संकल्प पत्र पारित किया। लेकिन क्या लगता है कि इससे किसी तरह का जो प्रभाव है वो इस लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर विधानसभा लोकसभा के मुद्दे काफी इतर होते हैं, तो केंद्रीय स्तर पर जो बीजेपी के काम है उसके बलबूते क्या ये जो पहला चरण है वो संपन्न बीजेपी सफलतापूर्वक कर पाएगी? कांग्रेस के लिए क्या कोई चुनौती आप मानते हैं? नहीं, इसके अंदर एक बात है इम्पोर्टेंट जो आप कहना चाहते हैं जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस का किसी तरीके का वजूद बचा नहीं है। कांग्रेस को वजूद बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, जनता के बीच में बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी पिछले कुछ चुनाव को देखते, पिछले कुछ महीनों को देखते हुए काफी मनमुटाव हुए, जिस तरीके के मनमुटाव देखने को मिले हैं और कभी वहां पहुंच की स्थिति बनती रही कि कभी ये जा रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, उससे कांग्रेस बहुत डैमेज हो गई है। कांग्रेस को वापस इस डैमेज से उठने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, पब्लिक के बीच में जाना होगा। पब्लिक का कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी जी, खास करके इस जगह पर अगर देखेंगे तो भाजपा का एक तरीके से वोट बैंक बहुत अच्छा परसेंटेज बना हुआ है। ईस्ट को देखेंगे या एनडीए को, जिस तरीके की 400 पार की बात कर रहे हैं वो तो खैर एक अलग बात है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। जनता अब आने वाले समय में बता देगी कि 400 पार होता है या 400 के अंदर होता है। मैं ये सीटों का आकलन तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सीटों का आकलन करना ठीक भी नहीं है। कल ही आप अगर आपने एबीपी का सर्वे अगर देखा होगा तो सभी दोनों प्रवक्ताओं ने भी देखा होगा, उसके बाद में तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एबीपी आनंद बाजार पत्रिका जब इस तरीके का सर्वे करके आपके सामने दे रहा है तो कहीं पर ये हो सकता है कि आप कई स्टेटों में देखते हैं कि जहां भाजपा का खाता ही नहीं खुला है वहां खाता खोलने की कोशिश की जा रही है, जहां खाता खोलेंगे वहां से, जहां से अभी हैं वहां से एक दो सीटें कम मिलेगा। तो कुल मिला के आकलन जो होगा या जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन तो वहीं तक सीमित रहेगी। आने वाले समय में किस तरीके का प्रशासन दिया जाता है, शासन दिया जाता है, ये देखने की बात है। पर विपक्ष को भी एक तरीके से मैं समझता हूं कि विपक्ष को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि विपक्ष अपनी बात कह सके और सरकारें उनकी बात माने और सरकारें अच्छे सुझावों को सुने। ऐसा नहीं है कि किसी दल के पास कोई नेताओं की कमी है, दोनों दलों के पास अच्छे नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे जानकार लोग हैं, अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं। पर क्या विपक्ष हम खत्म कर देंगे तो आखिर करके हमें ही अगर ये सब काम करना है तो विपक्ष का कोई रोल ही नहीं रहेगा क्या? विपक्ष हमें कुछ अगर स्वस्थ परंपरा में कोई भाषण बताता है तो हमें समझना चाहिए उस चीज को और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ज्यादा अच्छा ये होता है, ये देखना चाहिए कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि पिछले सरकार में विपक्ष नाम की चीज ना के बराबर थी। आपको जो समझ में आया, जिस तरीके के अध्यादेश अधिसूचनाएं आपने लगाई, सारी चीजें पास करा ली, पास हो गई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देश में परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन के साथ साथ में
अपने साथियों का साथ लेना भी बहुत जरूरी होता है, उसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अंबिका जी, विपक्ष किस तरह से अब उठेगा? अब तो चुनाव सर पर आ चुका है, इतना जो डैमेज हुआ है कैसे कंट्रोल करेगी कांग्रेस? विकास जी, कांग्रेस पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं जी वो पब्लिक जान चुकी है। मैं अजय जी को बता दूं, इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क किया है कि आप तैयारी के साथ नहीं आए हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यह छिंदवाड़ा को बिलोंग करते हैं और वहां पर काम कर रहे हैं, इनकी लोकप्रियता इसी बात से जाहिर होती है इनकी पार्टी की सारी विधानसभा सीटें हार चुके हैं जी, वहां पर कभी खाता नहीं खोल पाए हैं, वहां पर उनका कोई वजूद नहीं है। और रहा सवाल इनके सच्चाई का, इनके जो वादे पूरे किए उनके संबंध में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पहला तो एक दुर्भाग्यपूर्ण, अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि देश के ख्यात प्राप्त न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है कि हम पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है, सरकार इस स्तर पर उतर आई है, इस बात को भी पब्लिक जानती है अच्छी तरह से। दूसरा ये है, चाहे किसानों के क्षेत्र में खाद बीज डीजल ये सब महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है और गृहिणी की जो रसोई है वो खाली पड़ी हुई है, गैस सिलेंडर महंगा है, इन्होंने 450 रुपए का वादा किया था, वो भी यहाँ पर नौजवानों से वादा किया था हम दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सारे के सारे नौजवान बेकार हो गए हैं और आने वाले समय में ये भीख मांगेंगे नौजवान, ये किस मुंह से जनता के बीच में जा रहे हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कह रहे हैं 405, कैसे कह सकते हैं 405, तो जनता एतबार कैसे करेगी, क्यों इतनी आश्वस्त है बीजेपी सीटों को लेकर, जवाब दें जी। निश्चित तौर पर अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आपने देशहित की राजनीति की, आपने जनाकांक्षाओं का सम्मान किया, आपने जो संकल्प लिए उन संकल्पों को पूरा किया, तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति एक ट्रैक रिकॉर्ड देखता है, दो पार्टियों का एनालिसिस करता है कि किसने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल किया, कौन सा प्रोमिसिंग चेहरा है, नेतृत्व कौन कर रहा है, सारी बातें मायने रखती है। आप तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास प्रोमिसिंग चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे जितने भी संकल्प किए थे उनको पूरा किया है, तो देश की जनता ये सब चीजें देख के मतदान करती है। निश्चित तौर पर हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम इस बार 400 पार हमारा एनडीए समग्र रूप से और भाजपा 370 होगा, क्योंकि हमें हमारे प्रॉमिसिंग चेहरे पर विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश के आज ऊंचाई पे लेके गया है, निश्चित तौर पर उससे देशवासी भी खुश है, उन्हें भी अपना सम्मान लगता है। प्रधानमंत्री जी को 12 से अधिक बाहरी राष्ट्रों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, तो ये देशवासियों का गौरव बढ़ा है। ये सारी बातें देखकर जब देश की जनता वोट करने जाएगी तो निश्चित तौर पे भाजपा को ही चुनेगी। तो बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार चुनाव उसके पक्ष में होगा, कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, फिलहाल पहले चरण के मतदान का शोर थम चुका है और समय की हमारे पास कमी थी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।